नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आमतौर पर हम शहरों में, गलियों में, चौराहों पर देखते हैं कि सफाई कर्मी हाथों में झाड़ू लिए हुए साफ सफाई करते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी जिले का जिला कलेक्टर और उसी जिले के SP दोनों अपने हाथ में झाड़ू लेकर आपको गली चौराहे पर साफ सफाई करते नजर आते हो। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव और बाड़मेर के SP दीपक भार्गव दोनों ने अपने हाथों में झाड़ू थमाए हैं और पूरे परिसर की सफाई कर रहे हैं। यह आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बाड़मेर के जिला कलेक्टर और SP नजर आ रहे हैं। दरअसल इन दिनों बाड़मेर के तमाम अधिकारियों ने, बाड़मेर के लोगों ने जिम्मा उठाया है कि हम हमारे बाड़मेर को स्वच्छ बनाएंगे, साफ बनाएंगे। इसको लेकर बाड़मेर के कलेक्टर और SP ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक सकारात्मक खबर, एक स्वच्छता की खबर को आप इतना शेयर कर दीजिए ताकि देश के हर कोने तक पहुँचे कि किस तरीके से अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी ज़रूरी है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको गंदगी पसंद हो। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि अपने आसपास गंदगी नहीं हो, लेकिन हर कोई व्यक्ति यह भी नहीं चाहता कि वो बिखरी पड़ी गंदगी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए साफ कर ले। और यहाँ तक कि जिला कलेक्टर ने तो यहाँ तक भी कह दिया, SP ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यह मात्र एक अभियान नहीं होना चाहिए, इसमें जब तक आमजन, सभी लोग भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। दरअसल बाड़मेर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य इन दिनों बाड़मेर शहर में कई नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि आने वाले दिनों में बाड़मेर आपको एकदम चमकता दमकता दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। इसको लेकर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसका आगाज आज बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव और बाड़मेर के SP दीपक भार्गव, आयुक्त योगेश आचार्य और तमाम सफाई कर्मियों और सब लोगों ने मिलकर के किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाड़मेर के कलेक्टर और SP कलेक्ट्रेट परिसर को साफ सुथरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तमाम आम लोगों से ये आह्वान भी किया है कि आप लोग जहां कहीं से भी गुजरें, आप सबसे पहले तो स्वयं कचरा नहीं बिखेरें, किसी प्रकार का कचरा सड़कों पर नहीं फेंकें, डस्टबिन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कचरा कर रहा है तो उसको आप बताएं, टोकें कि भैया ऐसे कचरा मत करिए। तो मैं चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों से कि आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद इसी वीडियो में सुनिए कि इस अभियान को लेकर किस तरीके से जिला कलेक्टर और बाड़मेर के SP दीपक भार्गव इस अभियान को लेकर क्या कहते हैं। तो एक बार तमाम दर्शक हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बाड़मेर के कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहाँ पर बाड़मेर के कलेक्टर, बाड़मेर के SP और तमाम लोग जो हैं वो साफ सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बाड़मेर के SP दीपक भार्गव ने इस अभियान को लेकर क्या कहा वो तो आप सुनेंगे ही, साथ ही एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी जो होते हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं वो आज हमें मालूम चला, क्योंकि हमने आधा पौना घंटा यहाँ पर जब सफाई की तो हमें लगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है साफ सफाई करने के लिए। तो इन सब लोगों का सहयोग करें, हम लोग भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकें, अपन जहाँ पे ही हैं, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ साफ सफाई ज़रूर रखें। तो एक बार सभी हमारे दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे सुनिए कि बाड़मेर के कलेक्टर और SP ने क्या कहा है इस अभियान को लेकर, और आने वाले दिनों में बाड़मेर शहर आपको किस तरीके से साफ नजर आएगा वो भी आप इन्होंने इस वीडियो में बताया है। पिछले दिनों में नगर परिषद ने काफ़ी इन पॉइंट्स को लिया है जहाँ से कचरा उठाया गया है और इसको एक संपूर्ण बाड़मेर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसमें कमिश्नर नगर परिषद और जो IS प्रोफेशनल हैं वो इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे, मैं भी इसकी मॉनिटरिंग करूँगा। और उसी के क्रम में आज जो शुरुआत हमने कलेक्ट्रेट प्रोसेस की है, काफ़ी यहाँ पे छोटे मोटे जो साइड में जो गंदगी पड़ी रहती थी उसको हमने निकाला है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी था यहाँ पे, नाले के पास में पड़ा हुआ था उसको भी निकाला है। और लगातार ये अभियान जारी रहेगा, उसको अगले कुछ दिनों में आप जो है बाड़मेर में को सुंदर बाड़मेर देखेंगे। मेरे सभी आमजन से अपील है
कि आप लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे तो अभियान पूरा नहीं होगा। कहीं भी आप कचरा किसी तरह से नहीं डालें, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं डालें, डस्टबिन का यूज़ करें और कचरा जो है सेग्रीगेटेड रहे। ये मेरी राय में इसमें अभियान नहीं चलना चाहिए, ये निरंतर प्रतिदिन होने वाली चीज़ है। जिस तरह से अपन प्रतिदिन नहाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की प्रयास करते हैं, उस तरह से जहाँ अपन काम करते हैं, रहते हैं, पूरा शहर उसको साफ करने की प्रतिदिन आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। आज थोड़ी केवल आधा घंटा पौन घंटे के अंदर पता चल गया कि इतना आसान काम नहीं है, शारीरिक श्रम कितना लगता है, कितना मुश्किल है और अपने गंदगी कितनी है, छोटी छोटी चीज़। अपन कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई च्युइंगम फेंकता है, कोई कचौड़ी पकौड़ी खाता है, उसका पतल सीधे नीचे फेंक देता है, उस टाइम नहीं सोचते, लेकिन अभी जब उठाया थोड़ी देर में तब पता चला कि कितना मुश्किल काम है ये। तो मेरी सभी से यही अपील है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, यथासंभव जहाँ कचरा पात्र है वहीं कचरा डालें। हमारे को जो बचपन में स्कूल में शिक्षा मिलती थी, कोई भी कचरा किसी भी तरह से बाहर नहीं फेंकें, उसका पालन करें। कहीं नल पानी टपकता हुआ दिखें तो उसको बंद कर दें, कहीं बिजली जली हुई दिखें अनावश्यक रूप से दिन में स्विच बंद कर दें, संबंधित को सूचित करें तो वो उसको ठीक करा ले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरे मेरे हिसाब से अभियान के ना रूप में लेके प्रतिदिन होनी चाहिए।